डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में कक्षा 6, 7, 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण प्रकरण क्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्रिया क्या होता है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, या किसी वाक्य में कौन सा शब्द या कौन सा जो वहाँ पे शब्द यूज हुए हैं वो कौन क्रिया है, ये आपको पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखें सबसे पहले क्रिया क्या होता है इसे देखते हैं। तो क्रिया का अर्थ जैसे दिया है, क्रिया का जो अर्थ होता है वो होता है काम, यानी कि क्रिया या तो स्वयं होती है या की जाती है। अर्थात आशा ये है कि अगर कोई कार्य हो रहा है, जैसे सूर्य निकल रहा है वह आज बाजार आएगा, बादल में बिजली चमक रही है, यहां पे बताया है कि क्रिया या तो स्वयं हो रही है या की जाती है। तो सूरज निकल रहा है तो यहां पे अपने आप हो रहा है, वह बाजार जाएगा, वह आज बाजार जाएगा, तो वह यहां पे कार्य कौन कर रहा है, वह यहां पे अपने आप हो रहा है। तो वही कहा है इसमें कि जो कार्य होता वही क्रिया है, और क्रिया या तो स्वयं होती है या तो की जाती है, तो वही क्रिया है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोई भी वाक्य दिया है उसमें जो कार्य हो रहा है, चाहे वो किया जाए चाहे वो अपने आप हो, जो कार्य हो रहा है वही क्या है, वही क्रिया है। अब इसका देखें परिभाषा दिया है कि वाक्य में जिस पद से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य में अगर किसी कार्य का होना या न होना पता हो, या जो शब्द ये जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि ये कार्य हो रहा है वही क्रिया है, अर्थात जो कार्य होता है वही क्रिया होता है। जैसे सूरज निकल रहा है, निकलना क्रिया हो गया, वह बाजार जाएगा तो जाएगा क्रिया हो गया, बादल में बिजली चमक रही है तो चमकना क्रिया हो गया। तो कोई वाक्य दिया है उसमें जो कार्य हो रहा है वह क्रिया होता है। अब देखें क्रिया के भेद, क्रिया का ये परिभाषा था, क्रिया के भेद देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर बांटे गए हैं, क्रिया के भेद को दो आधारों पर बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूछे क्रिया कितने प्रकार की होती है तो वैसे ही नहीं बताएंगे, आप किस आधार पे पूछा जा रहा है तो उस आधार पे आप बताएंगे। तो देखें क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला आधार है रचना के आधार पर और दूसरा जो है वो कर्म के आधार पे। तो पहले रचना के आधार पे हम देखेंगे, यहाँ पर रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, रचना के भी आधार पे दो भेद हो, क्रिया के दो भेद, क्रिया के भेद में क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया, रचना के आधार पे और कर्म के आधार पे। तो रचना के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, रूढ़ क्रिया यौगिक क्रिया। अब रूढ़ क्रिया क्या होता है, यौगिक क्रिया क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आसान है, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो क्रिया एक ही वस्तु से एक ही धातु से बनती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं, जो क्रिया एक ही धातु से बनती है उसे रूढ़ क्रिया। जैसे सोहन स्कूल गया तो यहां पे सिर्फ गया एक ही शब्द है, यहां पर देखेंगे आप, जो एक ही धातु से बनती है सिर्फ गो मत सॉरी ये जाना से बना है गया, तो ये हमारा रूढ़ क्रिया हो गया, उसमें एक ही शब्द बनेगा, एक धातु का मतलब एक ही शब्द होगा उसमें। यौगिक क्रिया क्या होता है, जो क्रिया एक से अधिक धातुओं से बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे वे दिल्ली से चल पड़े, चल पड़े यहाँ पे दो शब्द दिया हुआ है, चल पड़े चाहे चल दिए। तो आसान है इसे समझना कि जब क्रिया में एक ही शब्द हो तो वो हमारा रूढ़ क्रिया हो जाएगा, और जब एक से अधिक हो तो वहां पे वो यौगिक क्रिया हो जाएगा। अब देखें यौगिक क्रिया के पांच भेद होते हैं, यौगिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, यौगिक क्रिया को पांच भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया,
तीसरा है अनुकरणात्मक क्रिया, चौथा है पूर्णकालिक क्रिया और पांचवा है नाम धातु क्रिया। तो ये पांच हैं, किस आधार पे है यौगिक क्रिया को पांच भागों में बांटा गया है। तो आइए ये समझते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये क्या होता है। तो देखें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही ये क्लियर है कि कौन कौन सी क्रिया है। देखे यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया दिया है, जब वाक्य का कर्ता किसी काम को स्वयं न करके ध्यान देंगे इस शब्द पर, ये जो लाइन है कि जब वाक्य का कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी को प्रेरणा दे करके करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ध्यान देंगे कि जो कर्ता होता है वो उस कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी को प्रेरणा दे करके करवाता है। जैसे मैंने नया कोट बनवाया, बनाया नहीं बनवाया है, अर्थात उसको करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। मैंने नया कोट बनवाया, तो यहाँ पे जो बनवाया है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया होता वही है जिसमें कर्ता स्वयं नहीं बल्कि दूसरे को प्रेरणा देकर किसी कार्य को करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे जो लिखवाया हो गया वो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अगर ऐसे होता मैंने लिखा तब तो वो प्रेरणार्थक नहीं था, तब तो वो स्वयं सब्जेक्ट कर रहा है, स्वयं कर्ता कर रहा है, लेकिन कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी को प्रेरणा देकर अगर कोई कार्य करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या किसी के द्वारा कोई काम करवाता है तो ये प्रेरणार्थक हो गया। संयुक्त क्रिया क्या है, जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ क्रिया क्या होता है कि जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे पूनम आज घर जा रही है, तो जा रही दो शब्द, दो तीन शब्द यहाँ पे देखें। अनंत ने खाना खा लिया है, तीन शब्द आ गए। सुबह बारिश रुक चुकी थी, तो रुक चुकी थी यहाँ पे तीन शब्द। कहने का अर्थ यह है कि जब क्रिया एक से अधिक शब्दों से बना हो तो वहां पर हमारा संयुक्त क्रिया होता है। अब देखें अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, नाम से ही अनुकरणात्मक मतलब अनुकरण करना, नाम से ही स्पष्ट है कि किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी ध्वनि पर बनी अनुकर, किसी ध्वनि के अनुकरण पर, अनुकरण का मतलब देख करके कोई काम करना, नकल करना एक तरह से, किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया को ही अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा था, तो भौंकना भोंकने से बना है गुनगुनाना, भोंकना भो भो करना का मतलब भोंकना, गुनगुन करना का मतलब गुनगुनाना, भिन भिन करने का मतलब भिन भिनाना। तो ये जो अनुकरण से, यानी कि किसी ध्वनि के अनुकरण से ये बना हुआ है, किसी ध्वनि से बना हुआ है, तो ऐसे जो क्रिया होते हैं वो अनुकरणात्मक क्रिया होते हैं। अब देखें अगला दिया हुआ है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया क्या होता है कि जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे चमन खाना खाकर गया है, इसमें देखें दो क्रिया है, एक तो क्या है खाकर और दूसरा है जाने का, यानी कि खाकर तो वही कह रहा है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है ये गया, गया है ये मुख्य क्रिया है, इसी के पहले एक और क्रिया प्रयोग हुआ है खाकर, तो वही कह रहा है कि जब मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है तो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चमन खाना खाकर गया है, बिल्ली को देखकर चूहा भागा, यानी कि चूहा भागा ये क्रिया है मुख्य, लेकिन देखकर यहाँ पे मुख्य नहीं है, ये पूर्णकालिक क्रिया में आएगा। पत्र पढ़कर वह चुप रह गया, तो चुप रह गया एक मुख्य क्रिया हो गया, पढ़कर यहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया हो गया। अब देखें नाम धातु क्रिया, ये क्या है, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु की क्रिया कहते हैं। देखेंगे कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनता है, जैसे दिनेश ने उस मासूम का दिल दुखाया,
अब देखें दुख, दुख क्या है, दुख से बना हुआ है दुखा दिया, यह अब यह मामला गर्मा गया, गरम गरम से बना है गर्माना, दुख दुख से बना दुखाना, दुख क्या है, दुख एक संज्ञा है, गरम क्या है, गरम विशेषण है, जैसे पानी बहुत गर्म है तो गरम क्या कैसा है, गरम है विशेषण है। तो कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनता है वो हमारा नाम धातु का क्रिया होता है, जैसे यहाँ पे दुखाना, जैसे दिनेश ने उस मासूम का दिल दुखा दिया है, दुख से बना है, संज्ञा है ये। अब यह मामला गर्म आ गया है, गर्म से गर्माना होता है तो गर्म विशेषण है, विशेषण से बना है। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु की क्रिया होती है। ये रहा किस आधार पर, यौगिक क्रिया के आधार पर जो बांटा गया है पांच प्रकार का वो था। शुरू में क्या था, रचना के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए थे, रूढ़ क्रिया यौगिक क्रिया, और यौगिक क्रिया को पांच प्रकार से बांटा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और नामधातु की क्रिया। अब आइए चलते हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने होते हैं देखें, ये भी बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो हर चीज आपको समझ में आएगा। कर्म के आधार पर देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार का, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। अकर्मक लग गया है, अकर्मक, कर्मक का मतलब कर्म, कर्म कर्म के आधार पर अर्थात जिसमें कर्म हो। तो यहां पे देखेंगे अकर्मक सकर्मक, अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो अर्थात बिना कर्म का, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित अर्थात जिस वाक्य में कर्म दिया हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं क्रिया कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वही हमने बताया है कि वाक्य के जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया, जैसे चिड़िया बोली, यहाँ पे कर्म नहीं दिया हुआ, बाग में फूल खिले कर्म नहीं दिया, सूरज निकला कर्म नहीं दिया हुआ है। लेकिन दूसरा वाक्य यहाँ पे देखें, सकर्मक का परिभाषा क्या है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता उसे सकर्मक क्रिया कहते, जैसे कमला ने अपना पाठ याद कर लिया है। तो कर्म क्या है, काम क्या है इसका, कर्म क्या है, अपना पाठ। गगन पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। दूसरा चीज क्या है कि क्या और किसको लगाने से हमको कर्म का पता चलता है, और जब कर्म दिया होता है तो वही हमारा होता है सकर्मक क्रिया। जब व्हाट, सॉरी व्हाट नहीं कहेंगे, यहाँ पे देखें क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो हमारा कर्म का पता चलता है। तो क्या और किसको लगा देंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो उस वाक्य में अगर कर्म है तो वो सकर्मक, नहीं है तो वो अकर्मक। जैसे वसीम चार आम लाया, क्या लाया, चार आम लाया, तो क्या से जवाब मिल रहा है, चार आम, तो यहाँ पे ये कर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। अब देखें कि एक कर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्या होता है। तो एक कर्मक देखें, नाम से ही क्लियर है, जिस वाक्य में एक कर्म होगा उसे एक कर्मक बोलेंगे, और जिस कार्य में दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक होगा। उदाहरण के लिए, उसने आज कपड़े धोए, उसने क्या धोए, कपड़े धोए, क्या धोए, कपड़े धोए, वह गाना गा रहा है, वह क्या गा रहा है, गाना। सविता कविता लिखती है तो सविता क्या लिखती है, कविता लिखती है। तो यहाँ पे एक एक कर्म आया हुआ है। अब दो कर्म वाला देख लेते हैं, दादी ने स्नेहा को कहानी सुनाई, यहाँ पे स्नेहा और कहानी दो आ गया है, तो दो कर्म हो गया यहाँ पे। कैसे पता करेंगे, हमने बताया क्या कर्म कैसे पता चलता है, क्या और किसको लगाने से, क्या और किसको, इन दोनों का जवाब अगर वाक्य में दिया है तो दोनों कर्म है, एक का दिया है तो वो एक ही कर्म है। तो ये दो कर्म, द्विकर्मक होते हैं जिसमें दो क्रिया दी गई है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, और एक कर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्या होता है, और कर्म कैसे पहचानते हैं। अब बात आती है मुख्य और गौण कर्म।
अर्थात अगर जब किसी वाक्य में दोनों कर्म एक साथ आए हैं तो उसमें कौन मुख्य है और कौन गौण है, इसको जानने के लिए देखें जो मुख्य कर्म है वो क्या है, क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पे जो उत्तर प्राप्त होता है वही मुख्य कर्म होता है। जो क्या का जवाब होता है वो मुख्य कर्म है। पूछ दिया जाए कौन मुख्य कर्म है कौन गौण कर्म है, तो जो क्या का जवाब होता है वो मुख्य कर्म होता है, और जो किसको का जवाब होता है या किसके का जवाब होता है या किसी का जवाब होता है वो गौण कर्म होता है। उदाहरण से देखें कि दादी ने स्नेहा को कहानी सुनाई, तो क्या सुनाई कहानी या किसको सुनाई, तो स्नेहा को सुनाई। इस उदाहरण को देखेंगे, क्या का जवाब है कहानी और किसको का जवाब है स्नेहा को, तो मुख्य कर्म कौन है यहाँ पे, क्या का जवाब, हमने क्या बताया क्या का जो जवाब होगा वो मुख्य कर्म होगा, तो क्या सुनाया कहानी, तो कहानी यहाँ पे मुख्य कर्म हो गया, और किसको सुनाया स्नेहा को, तो स्नेहा यहाँ पे गौण कर्म हो गया। तो उम्मीद है अब आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये क्रिया नामक पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।